हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे नवोदय विद्यालय के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है एडमिशन के लिए फॉर सिक्स क्लास सेशन 25-26 के लिए, उसका जो लिंक है वो आपका यहाँ पर जो नवोदय की वेबसाइट है वहां पर लाइव हो चुका है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है, और वहां पर एक जो फॉर्म है वो फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे। तो जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ नवोदय विद्यालय की। तो जो सिलेक्शन टेस्ट है 2025 के लिए, उसके लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 16 सितंबर की है। 16 सितंबर तक आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मे बी जैसे कि लास्ट ईयर भी डेट एक्सटेंड हुई थी, तो वो अलग बात है कि वो डेट एक्सटेंड होती है कि नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपके कोई स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं कि हमने नवोदय विद्यालय में जाना है, तो उनको आप 16 सितंबर से पहले पहले क्या करवा दो, इसमें एनरोल करवा दो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गूगल पे जाकर आप सिंपली सर्च कीजिए नवोदय विद्यालय, तो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा नवोदय विद्यालय समिति का। आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ही क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द क्लास सिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। आपने यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पोर्टल डायरेक्ट यहां से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल पर क्या है, यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। तो लॉगिन में अगर आप एक प्रिंसिपल लेवल के लॉगिन है तो यहां पर आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा ये एडमिन कॉर्नर है। यहां पर देखो कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर में यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास सिक्स। आपने क्लास सिक्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया हुआ है, तो उसके लिए अगर आपने प्रिंट निकाला तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हुआ है तो आप यहां से उसको फाइंड कर सकते हो। अगर आपने प्रोस्पेक्टस को देखना है तो आप यहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स या क्वेश्चंस आपने देखने हैं तो आप यहां से देख सकते हो। तो ये सारे के सारे लिंक यहां पर आपके पास अवेलेबल है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपका जो जवाहर नवोदय का जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। यहां पर इस प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल है इसके रिगार्डिंग, कि जवाहर नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहां पर अवेलेबल है। ये सारी आप रीड कर लेना। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बिल्कुल लास्ट में हम जाएंगे। यहां पर आपको कुछ सैंपल पेपर्स के भी मिल जाएंगे कि इसके जो एग्जाम्स हैं उसका सैंपल कैसा होगा, वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपके जो सैंपल्स हैं इन्होंने बताए हुए हैं। अगर हम जाते हैं बिल्कुल लास्ट में, यहां पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये वाला फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट, सॉरी ये अलग है, हाँ यही वाला फॉर्म। तो यहां पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 16 सितंबर है। यहां पर आपने ये वाला फॉर्म भरना है। इसमें बच्चे का नाम आएगा, फादर का नेम आएगा, मदर का नेम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एंड देन उसका जेंडर होएगा यहां पर, उसके जनरल ओबीसी एससी क्या कैटेगरी है वो होगी, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो आप फिल करोगे, उसका आधार नंबर यहां पर आप फिल करोगे कि बच्चे का आधार नंबर क्या है, और बच्चे का पैन नंबर। तो ये यूडा इसके साथ लिंक है, तो यहां पर पैन नंबर जो भी बच्चे का है वो आप यहां पर फिल करोगे, बच्चे का जो एड्रेस है वो आप फिल करोगे, ईमेल आईडी आ गई आपकी, मोबाइल नंबर आ गया, एनुअल इनकम कितनी है, नेशनलिटी क्या है। यहां पर नीचे फॉर्म में आपका आ जाता है कि बच्चे ने लास्ट के जो 3 साल है वो कहां पर थे, क्लास थर्ड कहां से किया, फोर्थ कहां से किया, फिफ्थ कहां से किया, ये डिटेल फिल करनी होती है। यहां पर सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स आ जाता है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाता है, एंड देन लास्ट में देखो सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विद सील। तो लास्ट में जिस स्कूल से वो बच्चा फिफ्थ क्लास कर रहा है उस स्कूल ने यहां पर उसको क्या करना, वेरीफाई करना, स्टंप साइन करने है। तो ये फॉर्म आप निकाल लेना। इसके बाद एक ओबीसी का भी फॉर्म आता है, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो आपने उस पोर्टल के ऊपर जाना है, एंड देन यहां पर आपने सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द क्लास सिक्स, यहां पर आप क्लिक करोगे।
जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी यहां पर आ जाएंगे कि क्या क्या आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहां पर देखो यहां पर कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड इन क्लास फिफ्थ, तो बच्चा ऑलरेडी स्टडी कर रहा है क्लास फिफ्थ में, हम यस कर पास नहीं है वो बच्चा, उसने फिफ्थ क्लास पास नहीं की हुई है तो अभी वो स्टडी कर रहा है, तो यहां पर आएगा आपका नो। द कैंडिडेट हैज अपेयरिंग इन, पहले भी उसने जीएनबी का टेस्ट दिया हुआ है तो यहां पर हम करेंगे नो कि उसने पहले कभी टेस्ट नहीं दिया हुआ। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, हमने रीड किया हुआ है। वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ, तो हमारा ये सेम ही है, जो डिस्ट्रिक्ट है और उसका जो स्कूल है वो दोनों सेम है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर, हाँ हमने वो जो सर्टिफिकेट है उसको हमने साइन करवा लिया हुआ है। और उसके बाद वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फॉर द क्लास फोर्थ टू एडमिटेड इन क्लास फिफ्थ, यस फोर्थ से फिफ्थ में आ गया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आता है कि डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर तो आपके पास आधार है तो वो आधार ऑथेंटिकेट करेगा, आधार नंबर आप फिल करोगे सबमिट करोगे तो आपके जो आधार नंबर के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर होगा वहां पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर उस पर लिंक नहीं है, वो इशू है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नो फिल करोगे, तो उस केस में यहाँ पर देखो हम ओके करते हैं तो वो आपसे मांगेगा आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूवल रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट स्टडी, तो यहाँ पर आपको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसकी फोटो क्लिक करके वो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 50 से लेकर 300 केबी की वो फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। चूज फाइल में जाकर आप उसको क्या करोगे, अपलोड करोगे फिर सबमिट करोगे। तो सबमिट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं आधार नंबर के साथ करता हूँ ऑथेंटिकेट, तो मेरे पास आधार है तो यहाँ पर मैं आधार नंबर फिल करता हूँ किसी एक स्टूडेंट का, एंड देन वहां पर ऑथेंटिकेट करके देखेंगे कि वहां पर आगे हमें क्या मिलता है। तो जैसे मैंने आधार नंबर फिल किया किसी एक बच्चे का, तो एक 6 डिजिट का ओटीपी जो है वो मोबाइल नंबर पे चला गया है जो रजिस्टर्ड होगा, तो यहाँ पर वो आपसे फिर पूछेगा कि आपको ओटीपी मिला कि नहीं मिला, अगर तो मिला है तो आप ओटीपी फिल करोगे, अगर आपको नहीं मिला है तो फिर वो आपसे मांगेगा आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपको वहां पर अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ओटीपी फिल करता हूँ, अगर ओटीपी हमें रिसीव हो गया हुआ है, ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैंने यहाँ पर सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड ओटीपी, मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मेरा ओटीपी ठीक नहीं था यहाँ पर आई थिंक। सबमिट करता हूँ एंड देन चेक करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सबमिट होता है कि नहीं होता है। प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, आई थिंक कुछ सर्वर में इशू है यहाँ पर। हमारा ओटीपी वेरीफाई हुआ एंड देन यहाँ पर देखिए जो आपका जो फॉर्म है वो आपका कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब इसमें आपको फिल क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है कि स्टेट, अपनी स्टेट का नाम बताओ, तो हम पंजाब कर रहे हैं क्योंकि हमारा आधार नंबर उस पंजाब के साथ था तो वही आएगा। डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा पठानकोट। तो यहाँ पर सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ, तो वो ब्लॉक कौन सा है, तो हम वो ब्लॉक को हम यहाँ पर फिल करेंगे। एंड देन यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम जो है वो आ जाएगा, पर आप देख सकते हैं इलियाना ठक्कर, तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मोबाइल नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे यहाँ पर, ईमेल आईडी फिल करोगे, मदर का नाम, फादर का नाम आप यहाँ पर फिल करोगे। नेम ऑफ द गार्डियन, अगर ऑप्शनल है ये, अगर गार्डियन है तो फिर आप गार्डियन फिल करोगे। नेशनैलिटी यहाँ पर देखो इंडियन ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है वो आप फिल करोगे। जेंडर है, आगे कैटेगरीज उसकी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो फिल करोगे। एग्जामिनेशन का क्या होगा आपका वो आप फिल करोगे, हिंदी में आपने देना है, इंग्लिश में देना है, पंजाबी में देना है, तो इसमें आप कर सकते हो। डिसेबिलिटी अगर कोई बच्चे की है तो वो डिसेबिलिटी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो रिलीजन क्या है, बच्चे का रिलीजन आप फिल कर सकते हो। अगर डिसेबिलिटी फिल करते हो तो उसकी कितने परसेंटेज है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। बच्चे का आधार नंबर आ गया है। परमानेंट एजुकेशन नंबर अब इस बार इन्होंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि यूडाइस में पिछले साल परमानेंट एजुकेशन नंबर इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स की वो आप फिल करोगे। उसके बाद प्रीवियस स्कूल की डिटेल, उसके थर्ड स्टैंडर्ड कहाँ से किया, फोर्थ कहाँ से किया, फिफ्थ कहाँ से किया, उसकी जो डिटेल होगी, स्कूल का नाम, विलेज का नाम, है ना, रेकोगनाइज है नहीं रेकोगनाइज है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर इंक्लूड होगी। उसके बाद ये आपकी कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो आपने पहले ही दे दी हुई है। यहाँ पर फिर आपके ना कुछ
कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स फोटोज यहाँ पर अपलोड होगी। यहाँ पर जैसे कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है उसकी जो फोटो होगी वो यहाँ पर अपलोड होगी, उसके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड होगी, पेरेंट्स के जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगे, एंड अपलोड द स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई द हेडमास्टर। जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म बताया था ना, वो फॉर्म भी यहाँ पर क्या होगा, आपका अपलोड होगा। ये सारा का सारा करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, एंड देन आपका जो से अभी तक आपने जो भी फिल किया होगा उसका डाटा आपका क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। उसके बाद बिल्कुल एंड में आपने उसको फाइनल सबमिट करना है, एंड देन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने नवोदया जो विद्यालय है उसमें आपने जो सिक्स क्लास के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।